हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी अब मौजूद हैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर, जहां एक से एक बड़ी रैलियां हुई हैं जिन्होंने देश की राजनीति में बड़े बदलाव किए हैं। आज यहां पर विपक्षी इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी रैली है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, उसके अलावा झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, या फिर जिस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की सवाल आ रहे हैं, जिस तरह से ईडी के दबाव में लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, विपक्षी नेताओं को अपने दल में शामिल कराया जा रहा है, इन सारी बातों के विरोध में और खासकर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसका अकाउंट फ्रीज कर देना, वाम दलों को इनकम टैक्स के पुराने मामलों में नोटिस भेजना, ये सब आज के चुनावी माहौल में दिखाता है किस तरीके से इनका आरोप है। जो इंडिया ब्लॉक के आंदोलन यहाँ करने आए, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग हैं, उनका आरोप है जो वर्तमान सरकार, वर्तमान सत्ता केंद्रीय संस्थाओं का गलत उपयोग करके उन पर दबाव बना रही है। चुनाव निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष चुनाव हो और जो विपक्षी नेताओं को जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है उससे मुक्ति मिले, इसके लिए एक रैली किया गया है। मोदी को कहने आए यहाँ, ये चार पॉलिसी छोड़ जाए, क्यों जनता को परेशान कर रहा है, देश को घाटे में ले जा रहा है लगातार। मोदी जी, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फिजाए हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई, जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी हुजूर बेजमीर हो गए, खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। एक पिक्चर था दामिनी, दामिनी में क्या कहता है, तारीख पर तारीख चप्पल घस जाता, बंदा घस जाता मगर तारीख मिलते रहता। उसी तरह मोदी जी का कहना है, झूठ पर झूठ मिलेगा ना कुछ। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। क्या समझते हैं ये, इसको भी अंदर कर दो, जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? ये तानाशाही जो सरकार है, जिसने जो भी आदमी आगे बढ़ता है उसी के ऊपर ईडी का छापा है, सीबीआई का छापा है, उसी को जेल में डालने की ये भ्रष्ट नीति बीजेपी सरकार की है। आज ये इंडिया गठबंधन का जो ये सैलाब आपको दिख रहा है, ये आज इस बात का हिसाब कर देगा कि आगे सरकार किसकी बनेगी। 47 साल पहले इसी मैदान में एक ऐसी ऐतिहासिक सभा हुई थी जहां से नारा निकला था आजादी या गुलामी, और उस साल चुनाव में जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया, उस साल के चुनाव में आजादी की जीत हुई, गुलामी का हार हुआ। आज यहाँ पर वही नारा लग रहा है, हमें चाहिए हमारी आजादी, हमारी संविधान, हमारा जनतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, उस भारत को सुरक्षित रखना, ये हमारी आजादी है। इस आजादी को हम आज हासिल करेंगे और उन ताकतों को आज शिकस्त करेंगे, मोदी सरकार को, जो हमारे देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं
मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो।